व्हाट्सअप माई फीमेल व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने अपने फीमेल व्यूअर्स के लिए बनाई है कि वो कैसे अपना बॉडी वेट यूज करके अपने घर पे वेट लूज कर सकती हैं। ओके, तो पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स में आप देख लें कि मेरा पूरा वेट मैं अपने हील्स पे ले रहा हूँ और मेरी बैक जो है वो स्ट्रेट है एंड मेरी जो नीज हैं वो आउटवर्ड जो है 90 degrees हैं टूवर्ड्स माई टोज। ऑलराइट, तो गाइज ये है स्क्वाट्स। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो है बर्पीज। अब यहाँ पे जो है हम बर्पीज का इंटरमीडिएट जो है वो लेवल परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें देख लें कि मैं पुशअप करके और ऊपर जंप कर रहा हूँ। अगर आप जो है वो बिगिनर हैं, आप ये जो है वो इंटरमीडिएट लेवल नहीं परफॉर्म कर सकते, नो वरीज, आप जो है वो या तो पुशअप ना करें या फिर जंप ना करें, ठीक है। आपने अपने स्टेमिना के मुताबिक जो है वो ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो ये है बर्पीज। अगर आपका स्टेमिना है आप कर सकते हैं, तो आप पुशअप भी लगा सकते हैं और जंप थोड़ा ज्यादा ले सकती हैं। ऑलराइट, अब हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं जो है ब्रिज। अब ब्रिज जो है आपके ना कोर पे जो है वो कोर को टारगेट करेगा। तो ब्रिज के लिए मैंने लाई डाउन किया है, लेग्स मेरी फॉरवर्ड हैं, हैंड्स आर डाउन ऑन द फ्लोर और मैं अपने कोर को लिफ्ट कर रहा हूँ जितना मुझसे हो रहा है, ठीक है। जो मेरा हेड है वो भी डाउन है, स्ट्रेट है पूरी बॉडी और जस्ट मैं अपने कोर को लिफ्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो गाइज ये जो ब्रिज है आपके हैमस्ट्रिंग्स पे भी जो है वो फोकस करता है, स्पेशली आपके कोर पर। कीप गोइंग लेडीज, कीप गोइंग। ऑलराइट, तो अब हम फोर्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो है प्लैंक। अब प्लैंक जो है वन ऑफ द सुपर एक्सरसाइजेस है, ठीक है। प्लैंक में आपने एक चीज का ध्यान देना है, वो ये है कि आपने अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ओके। और इसके साथ साथ आपने अपनी नेक को स्ट्रेट रखना है, ना ही ऊपर करना है ना ही नीचे, जस्ट स्ट्रेट अपनी बॉडी के साथ, जिस तरह मैं डायरेक्ट सामने देख रहा हूं, स्ट्रेट बॉडी की तरह आपने अपनी नेक को रखना है। ऑलराइट, और ये जो प्लैंक है आपके बैक मसल्स पे और आपकी चेस्ट और आपकी एब्स पे जो है वो फोकस करेगी, आपके एब्स एंड आपकी बैक चेस्ट मसल जो है वो टारगेट होंगे इससे। ऑलराइट, अब हम जो है वो फिफ्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो है साइड प्लैंक रेजेस। साइड प्लैंक रेजेस के लिए आपने साइड प्लैंक पोजीशन में जाकर, एक साइड में जाके, अभी मैं राइट साइड में कर रहा हूँ और अपने कोर को लिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेम लाइक नॉर्मल प्लैंक मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखा हुआ है, ठीक है, और इसको ऊपर लिफ्ट कर रहा हूँ एज मच एज आई कैन, ओके। अब मैं जो है वो साइड चेंज कर रहा हूँ, अब लेफ्ट साइड में जाके अगेन मैं अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर रहा हूँ, ओके, यस। इसमें आपने एक चीज का ध्यान देना है, वो ये है कि आपने जितना आपसे हो सके आपने अपने कोर को लिफ्ट करना है। ऑलराइट, एंड यस, कीप गोइंग लेडीज, यस यू कैन डू इट, कीप गोइंग, कवर मोर रैप्स एंड देयर वी गो। ऑलराइट, यस लेडीज, हमारी सिक्स्थ एक्सरसाइज है सिटअप्स। अभी देखें, सिटअप्स में मोस्टली लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं, मेजर मिस्टेक वो ये करते हैं कि दब देखें मेरे हैंड्स जो हैं जस्ट मैंने अपने हेड पे रखे हुए हैं, जस्ट अपने आप को बैलेंस करने के लिए। मोस्टली लोग हेड अपने हैंड्स को बैक के पीछे लेके जाते हैं और थ्रस्ट करते हैं, बैक पे जो है वो फोर्स डालते हैं। हम बैक की एक्सरसाइज नहीं, सॉरी, अब नेक पे फोर्स करते हैं, हम नेक की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम कोर की एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने नेक को फोर्स नहीं करना, जस्ट अपने हैंड जो है हेड पे रख के ऊपर आना है, ठीक है। आपने अपना कोर इन्वॉल्व करना है यहाँ पे, अपने कोर को यूज करके ऊपर आना है, कोर को यूज करके नीचे जाना है, ठीक है, और किसी मसल को आपने यूज नहीं करना व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज। और लेडीज, हमारी जो है सेवंथ एंड लास्ट एक्सरसाइज है बाइसिकल क्रंचेस। इसमें देख सकती हैं कि बाइसिकल क्रंचेस में मैं अपनी लेग्स को स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी राइट एल्बो लेफ्ट जो है वो नी को टच कर रही है एंड माय लेफ्ट एल्बो इज टचिंग माय राइट नी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच लेडीज फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।